स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज चैनल में। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जनपद बरेली के विकासखंड मजुमा की ग्राम पंचायत गैनी में। जैसा कि कल आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल में, जो कि गैनी के ओम प्रकाश कश्यप द्वारा एक वीडियो वायरल करके बताया गया कि अलीगंज रोड पर एक अवैध निर्माण चल रहा है, जिसका उनके द्वारा वीडियो वायरल किया गया। वहीं हम आज हम गैनी पहुंचे हुए हैं, आइए हम जानते हैं आखिर मामला पूरा क्या है। जी क्या नाम भैया? जी ओम प्रकाश कश्यप जी। कल आपके द्वारा एक वीडियो वायरल करके बताया गया कि गैनी में अवैध निर्माण चल रहा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, आप गैनी में ये ग्राम समाज है 22 बीघा लगभग, जिसको काजियोद और भट्टा के नाम से जाना जाता है। तो इस पर मान लीजिए प्रधान जी बड़ा भ्रष्ट है, उस पर दुकानें बना करके एक व्यापार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी शिकायत आपने किसी उच्च अधिकारी को की? हाँ, SDM साहब को भी कहा था, कई बार उनको एप्लीकेशन भी दी थी, SDM साहब ने आज आदेश भी किया है, लेकिन उन्होंने कहा है इसको गिरवाओ। अब वो अपने हल्के हल्के गिराने को 2 एक रद्द गिराया, बाकी रोक दिया गया निर्माण। क्या चाहते हैं हम लोग? ये चाहते हैं ग्राम समाज में से उनका कब्जा बिल्कुल हट जाना चाहिए। क्या नाम है? ठाकुर रंजन सिंह, ग्राम भू प्रधान गैनी से। जैसा कि आपके गांव में एक अवैध निर्माण की जो चर्चाएं चल रही, क्या कहेंगे? जी सर, वो अवैध कब्जा हो रहा है उनका, और हमारी उस नंबर में जितनी ज़मीन आ रही है उसमें सारे हमारा हॉल खाली करवा दिया गया है, और जितने उस नंबर में आ रहे हैं सारे लोगों का नंबर, सब पर कार्रवाई होना चाहिए सर। सब पे होनी चाहिए, सब पर कार्रवाई। हम और भी लोगों से बातचीत कराते हैं। जी क्या नाम है? तेजपाल कश्यप जी। जी सर, वो बनना है, गलत बनना है हमारा, वहाँ से पूरा पानी निकलता है वहाँ से, और वो बन गया तो हम सब गरीब लोग वहाँ पे डूब जाएंगे, गांव वाले जो हैं वो डूब जाएंगे, उसके लिए नहीं बनना चाहिए। देखिए हम और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कराते हैं। जी क्या नाम है? हम साहब क्या नाम है आप? महेशपाल सिंह जी। क्या मामला चल रहा है गैनी में? ये साहब गलत चल रहा है साहब, ये खाली होना चाहिए, खाली होनी चाहिए। जी क्या नाम है? दरियाय सिंह कहते हैं मेरे लिए। जी गैनी में जो ये ताला पाट कर दुकानें निर्माण करके एक बेचने का ग्राम प्रधान के द्वारा बेचने का प्रयास किया जा रहा है, और ये मुख्य तालाब है सरकारी कागजों में, ये सरकारी भूमि दर्ज है, सरकारी तालाब है, बंजर भूमि है। यदि इस पर कब्जा हो जाता है तो पूरा गांव पानी से डूब जाएगा, इसलिए ये बिल्कुल कब्जा का हटाया जाए और तालाब को खाली कराया जाए, जो बहा नाला बनवाया जाए, रास्ता साफ रहे, जिससे गांव आने वाले समय में पानी से न डूबे। कुछ आज प्रशासनिक अधिकारियों का भी दौरा हुआ था, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि ये हम खाली करवा देंगे। देखिए वहीं कुछ टाइम दिया है, 2 दिन का। देखिए वहीं कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या है आखिर मामला। मैं पप्पू सिंह गुर्जर, ग्राम गैनी से। अवैध निर्माण चल रहा है ग्राम सभा की ज़मीन पर, दबंग प्रधान है, जबरिया जोर में बनवा रहा है और लोगों को धमकाता है और डराता भी है, और ये रुकना चाहिए, ये खसना चाहिए, रहना चाहिए। ग्राम सभा की ज़मीन है, वहाँ नाले का, मैं पहले से कई लोग वहाँ, जो पानी भर जाएगा रास्ता बंद हो जाएगा तो लोग परेशान हो जाएंगे निकलने के लिए। क्या नाम है? मैं वीरेंद्र शर्मा, गैनी का निवासी हूँ। जी और जो ये गैनी अलीगंज रोड है, इस पर एक 22 बीघा करीब बंजर भूमि और तालाब है। उस तालाब पर ये हुआ है कि कुछ लोग, काफ़ी दिनों से उनका प्रयास ये रहा है कि मैं हल्के हल्के मट्टी डालकर इसको पाटने के लिए, अब पाटने के बाद उन्होंने ये किया, लोगों ने सोचा होगा कि निकलने के लिए थोड़ी रास्ता बनाई है, लेकिन उनका प्रयास ये रहा कि उन्होंने उस पर जो है पक्का निर्माण करना शुरू कर दिया। इस संबंध में जिला उप जिलाधिकारी महोदय से बातचीत भी हुई थी, आज भी बातचीत हुई है, तो कई बार शिकायत भी हुई थी, आज उन्होंने आदेश भी दिया था कि ऐसा है इसको खसाया जाए, ठीक है, टीम भी आई थी, तो उन्हें आज और कल का समय दिया है कि हम यहाँ से हटा लेंगे अपना, और नहीं हटाते तो फिर हम आगे कार्रवाई करवाएंगे और फिर हम उनसे दोबारा फिर भी मिल सकते हैं। देखिए ये हैं गैनी के लोग, और इनका कहना है कि जो भी निर्माण हुआ है वो पूर्ण तरह से अवैध
निर्माण हो रहा है और ये अवैध निर्माण बिल्कुल रुकना चाहिए, इनकी मांग है। और अभी काफ़ी लोगों से हमने आपकी बातचीत कराई, लगातार ऐसी खबरों के साथ अपडेट रहेंगे, देखते रहिए वरली देहात न्यूज़। जी क्या मामला है जो आपके यहाँ अवैध निर्माण की चर्चाएं चल रही है? हाँ, जो चल रहा है वो गलत चल रहा है, उसका समाधान होना चाहिए। क्या मांग करेंगे आप? मांग क्या यही है, जो खसने का ही आदेश है ये आप यही खसाएं इस पर, जो गलत चीज़ बन रही है। Thank you.